नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं मुख्य खबरों की ओर। जिला सिरमौर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। डीसी सिरमौर राजकुमार गौतम ने जिला के अधिकारियों समेत स्वास्थ्य विभाग को कोविड वार्ड तैयार करने और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर समय रहते सभी प्रबंध पूरे किए जा सके। डीसी सिरमौर राजकुमार गौतम ने कहा है कि जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि आज जिला के अधिकारियों को जिला के अस्पतालों में कोविड 19 वार्ड बनाने, बिस्तरों की संख्या बढ़ाने समेत ऑक्सीजन प्लांट सुचारू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोरोना के अगर मामले बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा है कि जिला में 76 लोग बाहरी देशों से आए हैं, जिन पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा है कि अन्य देशों से आए 46 लोगों के कोरोना सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं, जबकि अन्य लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अन्य देशों से लौटने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा है कि जिले में एसडीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जबकि पंचायत स्तर पर पूर्व में बनी टास्क फोर्स को भी बढ़ते मामलों के चलते एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके और समय रहते ऐसे लोगों के कोरोना टेस्ट करवाए जा सके। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों से जारी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन करने की अपील भी की है। बता दें कि सिरमौर जिले में मौजूदा में कोरोना के अन्य मामलों की संख्या 19 तक पहुँच गई है। जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। डी टाइप सिलेंडर्स हैं, वो मेडिकल कॉलेज में 600 के आसपास हैं और सारे जिला में भी 600 के आसपास हमारे पास डी टाइप सिलेंडर और बी टाइप ऑक्सीजन के सेंटर हैं। तो जहाँ जहाँ पीएसए प्लांट्स नहीं है या पीएसए प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट नंबर हमारे पास जो है डी टाइप और बी टाइप सिलेंडर ऑक्सीजन के भी उपलब्ध है। इसके अलावा हमारा जो मेडिकल कॉलेज नाहन है, वहाँ पे इनकेस वर्स्ट सिनेरियो में हम इसको जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ हॉस्पिटल जो डिक्लेयर करेंगे, और इसमें कुल 300 बेड्स हैं। 300 बेड्स में से 200 बेड्स जो हैं वो कोविड पेशेंट के लिए होंगे और 100 बेड जो है वो बाकी जो हमारी इमरजेंसीज हैं उसके लिए यूज़ किए जाएंगे। और 200 बेड में से हमारे जो है वो 20 बेड्स पेडियाट्रिक के लिए हैं, उसमें से 12 बेड्स में हमारा जो है वो आईसीयू बच्चों के लिए होगा और बाकी जो 8 बेड है वो नॉर्मल हमारे बेड जो है वो बच्चों के लिए वहाँ पे उपलब्ध होंगे। इसी तरीके से जो हमारा सीएच पांटा साहिब है, वहाँ भी हमारा 100 बेड्स टोटल कैपेसिटी है और 100 बेड्स में हमने 70 बेड जो है वो कोविड पेशेंट के लिए रखे हुए हैं। 70 में से 20 बेड्स हमारा जो है पेडियाट्रिक्स के लिए जो है वहाँ पे अवेलेबल है। सीएच ददाहू में 20 बेड्स, सीएच सिलाई में 20 बेड्स और सीएच सराहन में हमारे 32 बेड्स जो कोविड पेशेंट के लिए होंगे, वहाँ पे उसको प्रपोज किया है कि कोविड पेशेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारी इसके नीचे जो फैसिलिटीज़ हैं डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स, इन केस उसकी जरूरत पड़ती है तो हमारे 9 सेंटर्स वेव 1 में और वेव 2 में एक्टिवेटेड थे, उनको द्वारा एक्टिवेट करेंगे और उनको जो है वो थर्ड वेव को काउंटर करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी डिसीजन हुआ है कि जो हमारे फॉरेन ट्रेवलर्स आ रहे हैं, जो अन्य कंट्री से वापस जो हमारे जिला सिरमौर में आ रहे हैं, वो आज की डेट में 76 लोग ऐसे वहाँ से आए हुए हैं, जिसमें से 48 लोगों के हमारा आरटीपीसीआर हो गया है और बाकियों के आरटीपीसीआर तो हो रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। तो अभी डिसाइड किया गया कि जितने भी फॉरनर्स वहाँ से आ रहे हैं जिसका आरटीपीसीआर एयरपोर्ट पे नहीं हो रहा है, उसका आते ही जैसे जिला में आएगा तो उसका आरटीपीसीआर जो है तुरंत किया जाएगा और उसके आरटीपीसीआर करने के बाद 8वें दिन द्वारा उसका आरटीपीसीआर होगा। यदि वो नेगेटिव आता है, यदि वो पॉजिटिव आता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल हमारा उसके अकॉर्डिंग उसको तो सर जितने भी फॉरेन ट्रेवलर हमारे बाहर से आ रहे हैं उन सभी को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा 14 डेज के लिए, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। इन केस वो नेगेटिव आता है तो उसका जो है 7 दिन तक उसको मैंडेटरी होम आइसोलेशन है, 8वें दिन द्वारा उसका आरटीपीसीआर होगा और आरटीपीसीआर के बाद नेगेटिव आएगा तो भी प्रिकॉशनरी उसको 7 दिन और अपने आप ही होम आइसोलेशन में वहाँ रहना पड़ेगा ताकि तो ये डिसीजन इसमें हो। साथ में जो हमारा सब डिवीजन लेवल टास्क फोर्स एक हमने बनाई है एसएम की अध्यक्षता में, जिसमें बीएमओस कंसर्न बीडीओस के मेंबर्स हैं और वो जो सब डिवीजन लेवल टास्क फोर्स है उसको ऑथराइज किया गया कि वो सारे जितने लोग फॉरनर्स आ रहे हैं उसको मॉनिटर करेगी, रिव्यू करेगी ताकि उन लोगों को प्रॉपरली होम आइसोलेशन में रखा जा सके। और साथ में जो कि हमारी पंचायत लेवल टास्क फोर्स है कंसर्न ग्राम पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में, उसको भी एक्टिवेट करने का डिसीजन लिया गया, जिसमें हमारा
जो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है और साथ में पुरारी कानगोज जो हमारे होते हैं वो भी उसके मेंबर्स हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।